भिंड पुलिस के एक एएसआई पर झूठ बोलकर महिला से शादी करने का आरोप लगा है। खास बात यह भी कि आरोपी एएसआई पहले से ही शादीशुदा है, उसके पहली पत्नी से दो बच्चे भी हैं। अब पीड़ित महिला इंसाफ के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। भिंड जिले में एएसआई ने एक महिला को धोखे में रखकर उससे शादी की। खास बात यह है कि एएसआई पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। दूसरी पत्नी का आरोप है कि एएसआई ने उसे धोखा देकर अपनी बातों में फंसाया और खुद को कुंवारा बताते हुए उससे शादी कर ली। जब पिछले दिनों एएसआई बीमार हुआ तब दूसरी पत्नी को एएसआई की पहली पत्नी के बारे में जानकारी मिली। 20 साल हो गए शादी के, मेरे 10 साल हो गए शादी के, 2012 से आई एएसआई। हाँ, और पहले से ही उनकी शादी तो थी, फिर आपने क्यों की? पहले से उनकी शादी थी, फिर आपने शादी क्यों की? मुझे पता नहीं था शादी, धोखाधड़ी से मुझे फिर मेरी शादी की शादी की थी। मैं यहीं भिंड में रहती हूँ। आपके बच्चे भी हैं? बच्चे मेरे 1-7 साल का है, ये 4 साल का है। एएसआई की दूसरी पत्नी अब कोतवाली से लेकर एसपी ऑफिस तक कार्रवाई करने के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन एएसआई के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि कोतवाली टीआई का कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आएगा तो वह जरूर इस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आरोपी कोई भी हो, अगर घटना हुई है तो वैधानिक उचित कार्रवाई निश्चित नहीं, पुलिस का है तो पुलिस पर सहयोग करने का आरोप लगाया कि पुलिस का ये एसआई है, पुलिस नहीं, ये कहना गलत है। कोई सहयोग नहीं करता, पुलिस के लिए अपराधी अपराधी होता है, जो अपराध कर रहा है, अगर अपराध कर रहा है तो कायदा पुलिस वाला। 10 साल से एएसआई विदुराज सिंह तोमर मोहिनी को भिंड के अलग अलग इलाकों में किराए के मकान लेकर रह रहा था। इस दौरान विदुराज सिंह तोमर और मोहिनी के दो बच्चे भी हो गए। मामला खाकी और महकमे से जुड़ा है, लिहाजा देखना यह है कि पीड़ित महिला को इंसाफ कब तक मिल पाता है। भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।